स्मॉल बजट बिग मेकओवर, एक ऐसा शो जिसकी वजह से आज मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ। एक ऐसा शो जो आपके इमोशंस को अंदर से हिला के रख देता है। जब आपकी काम की वजह से कोई इतना खुश होता है, उनका घर जो है इतना अच्छा बन जाता है, या आपका घर इतना अच्छा बन जाता है किसी की वजह से, तो वो है शो स्मॉल बजट बिग मेकओवर। छोटे से आपके प्राइस में 20,000 रुपीज में इतना ड्रास्टिक चेंज लेके आना किसी के लिए भी, जो मिडिल क्लास से लोग होते हैं उनका एक सपना होता है, घर छोटा होता है बड़ा होता है लेकिन सुंदर हो, अच्छा हो, हमारे लिए हो, ये सारे सपने अगर आपके पूरे हो जाते हैं या आपकी वजह से किसी और के पूरे हो जाते हैं, तो वो है स्मॉल बजट बिग मेकओवर। लेकिन इससे मैं इंस्पायर्ड था, नो डाउट, मैं आज उसी की वजह से हूँ। लेकिन इसमें 90% चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन 10% कोई चीज़ें हैं जो गलत भी हैं, तो उसको मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आप 90% को एंजॉय कर पाओ और उन 10% को इग्नोर कर पाओ, ताकि आप उसकी वजह से मिसलीड ना कर पाओ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोज की, कि क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं जो आप सीख सकते हो यहाँ से। एक्चुअली बहुत सारी हैं, क्या क्या नहीं बोलूँगा। और दूसरे हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पर आपको नहीं ध्यान देना चाहिए, मिसगाइड वहाँ से नहीं होना है। तो स्टार्ट करते हैं स्मॉल बजट बिग मेकओवर, My review pros and cons। पहला जो बहुत बड़ा फ़ायदा है ना इस शो को देखने का, वो है कि आपके इमोशंस को ऐसे हिलाता है कि आप फैशन की तरह इसे देखने लग सकते हो। जैसे मान लो एक आप इंसान हो जिसको पता नहीं है कि आपको क्या करना है, और उसके बाद आप इस शो को देखते हो और क्रिएटिविटी आपको पसंद है, तो प्रोबेबिलिटीज बहुत हाई है कि आपका इंटीरियर डिज़ाइनर बनने का मन कर जाएगा। इनफैक्ट ये शो की वजह से बहुत ज़्यादा इंटीरियर डिज़ाइनर्स बने हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो इस शो को देख के उन्हें पता चला था कि स्मॉल बजट बिग मेकओवर के नाम से उन्हें पता चला इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी कुछ होता है, अदरवाइज आज तक उनको पता ही नहीं था ये प्रोफेशन भी एग्जिस्ट करता है। इनफैक्ट मैं इसी कैटेगरी का हूँ, और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मे बी आप भी उसी कैटेगरी के हो या हो सकते हो देखने के बाद, देख लो जाके। तो ये आपको ना हेल्प कर देता है एक प्रोफेशन चूज़ करने में जिसमें आपका पैशन बन सकता है, और अच्छा भी है। मतलब इसमें बुराई क्या है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आप फाइनेंशियली देखोगे तो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है इंटीरियर डिज़ाइनिंग। दूसरा जो मेजर फ़ायदा है ना, क्रिएटिविटी। आपको नहीं पता है कि आप क्या बना सकते हो जब तक आपको हिंट भी नहीं है उसका। तो ये शो की वजह से ना बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में पता चला है कि छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे घर पे होती हैं, उनसे कितना कुछ कर सकते हैं। मेरे को भी आज से पहले नहीं पता था, आज से नहीं, मतलब जब मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग शुरू करी थी इस शो को देखने से पहले, उससे पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे आसपास जो वेस्ट मटेरियल होता है या फिर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनसे हम कितना कुछ क्रिएट कर सकते हैं। और ये शो जो है ना बहुत ही फन वे में आपको प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन के एलिमेंट्स बताता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फन लविंग मैनर में, आप जैसे एक मूवी की तरह ही चलती है ना, लाइक 20-30 मिनट्स की एक वीडियो होती है, और वो मूवी चलते चलते हमें इतना कुछ सीखने को मिल जाता है फन लविंग मैनर में, तो ये बहुत बड़ा प्रो है। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट्स भी कई बार ऐसी नॉलेज नहीं देते आपको जो आपको वीडियो में मिल रही है इस शो के वाया। अगला फ़ायदा है होम ओनर्स के लिए। होम ओनर्स को कभी पता ही नहीं होता कि इंटीरियर डिज़ाइनिंग में जो वो बनवाने वाले हैं वो एग्जैक्टली क्या है, लेकिन इस शो की वजह से बहुत कुछ उन्हें आइडिया आने लगे हैं, तो वो इंटीरियर डिज़ाइनर्स को, आर्किटेक्ट्स को बोल सकते हैं कि नहीं ये नहीं, मुझे ये करवाना है। उनके पास एक एक्चुअल में ऑप्शन तो निकला है, पहले तो यही नहीं पता होता था उन्हें कि हमारे यहाँ जो काम होने वाला है, घर बनने वाला है, वो एग्जैक्टली क्या बनाने वाले हैं। आप उनसे मांगते हो तो वो 3D वगैरह दे देते हैं, लेकिन फिर भी आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि कौन सा मटेरियल है, क्या है, क्या नहीं। तो इस शो की वजह से बहुत सारे लोगों को ये पता चलने लगे हैं कि हमारे यहाँ पे ये ऐसे भी हो सकता है, थोड़े बहुत वो आइडिया अपने देने लगे हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जब आप एक 3D डिज़ाइनर से या 3D आप जिससे भी आर्किटेक्ट से या इंटीरियर डिज़ाइनर से काम करवा रहे हो, तो आपको वो क्या करते हैं, जब तक उनका डिज़ाइन आप मना नहीं करोगे, देखोगे नहीं अच्छे से, टांग नहीं अड़ाओगे बेसिकली बीच में, तो वो अपनी लय में बनाते जाएंगे अपने हिसाब से। तो एज अ कस्टमर आप क्या चाहते हो वो आपके हिसाब से बनाए, तो ये आपको राइट देता है। स्मॉल बजट बिग मेकओवर की वजह से ना लोगों के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है कि अब आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स परेशान है कि लोग टांग बहुत अड़ाते हैं। पहले क्या होता था, उनके हिसाब से कुछ बनता ही नहीं था बेसिकली। आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिज़ाइनर ज़्यादातर अपने हिसाब से ही सारा काम करते थे, और अब उनकी टांग बहुत अड़ती है। ये हमारे लिए तो एक प्रॉब्लम है, लेकिन एज अ होम ओनर देखो आप, अगर आप अपना घर बनवाना चाहते तो आप अपनी टांग क्यों नहीं अड़ाओगे, बिल्कुल अड़ानी चाहिए आपको। और हमारे हिसाब से देखो तो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अच्छा चलो, ये सब तो हो गए फ़ायदे, जिसके तो एंडलेस हैं, बहुत अच्छा शो है, आपको भी पता है कितने फ़ायदे हो सकते हैं इसके। लेकिन मैं आपको अभी कौन से के बारे में बताता हूँ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक एज अ स्टूडेंट अभी इंटीरियर डिज़ाइनर बनना चाहते हो या फ्यूचर में कभी सोच रहे हो, तो आप इस शो को देख के मोटिवेट हुए हो ना, तो इसके कुछ कौन से हैं जो मुझे फेस करने पड़े, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा।
ठीक है। तो क्या होता है, मैंने जब ये शो देखा तो मेरे दिमाग में वैसी ही इमेज बनी इंटीरियर डिज़ाइनर्स की, जैसा वो काम कर रहे हैं, जैसे वो लोगों के घर में जाते हैं, उनसे पूछते हैं। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, लेबर को बताते हैं यहाँ पे ऐसे कर दो, यहाँ पे वैसे कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। नो डाउट ये सब होता है, लेकिन इससे ज़्यादा मेजर रोल जो आता है ना इंटीरियर डिज़ाइनर्स का, वो 90% ऑफ द टाइम पीसी के आगे बैठ के डिज़ाइन बनाते हैं। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था जब मैं इस प्रोफेशन में एंटर किया था कि मुझे 90% ऑफ टाइम अपना पीसी के आगे बैठ के काम करना पड़ेगा। मुझे लगा था यहाँ वहाँ फिरेंगे, मार्केट में जाएंगे, ये करेंगे, बस होता है ये सब, बट इसका जो पोर्शन है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू आपका जो पीसी वाला काम है। तो मैं आपको सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूँ कि अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, नेक में प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है कि आप ज़्यादातर टाइम बैठ नहीं सकते, या पीसी के आगे आपकी आईज़ जो हैं पेन करती, वट एवर द रीज़न इज़, तो ये ध्यान रखना कि आपकी वॉट लग जाएगी इस प्रोफेशन में अगर आप पीसी के आगे ज़्यादा टाइम नहीं बैठ सकते। क्योंकि 80 to 90% ऑफ टाइम आप वही करने वाले हो, वो नहीं करने वाले हो जो वो दिख रहा है, वो 20% ऑफ द टाइम वो होता है, नो डाउट, उसमें बड़ा मज़ा आता है। खैर, बट एनीवेज, जो दूसरा जो कौन मैं आपको बताऊँ वो है कि 20,000 में इतना कुछ काम एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। देखो वो क्या करते हैं, उनका जो 20,000 का जो है ना, उनका मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल का कॉस्ट, मान लिया 20,000 में आपने सारा मटेरियल ले भी लिया, आपने जो मटेरियल लिया, फ्लोरिंग ली, वट एवर द रीज़न इसके, आपने पेंट किया, जो भी किया, 20,000 में ले लिया, मान लिया मैंने, लेकिन उनको अप्लाई करने में जो लेबर लगती है वो एब्सोल्यूटली मिसिंग है वहाँ पे। तो एज अ होम ओनर अगर आपको लगता है 20,000 में आपका सारा काम हो जाएगा तो नहीं होगा। आप इलेक्ट्रिशियन को तो बुलाओगे ना इलेक्ट्रिकल ठीक करने के लिए, यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हो, आपका टीवी जो है इस कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल का काम होगा, उसको बुलाना पड़ेगा, उसका खर्चा, पेंट करवाने वाले का खर्चा, फ्लोरिंग लगवाने वाले का खर्चा, ऐसे बहुत सारे जो खर्चे हैं वो मिसिंग है उसमें। तो एज अ होम ओनर आपके दिमाग में फॉल्स इमेज बन जाती है कि 20,000 में ये सब हो जाएगा, और इस वजह से आपकी फॉल्स एक्सपेक्टेशंस होती हैं इंटीरियर डिज़ाइनर से या आर्किटेक्ट से कि यार हमें तो इतने में इतना बहुत अच्छा मिल जाएगा, आप नहीं कर पा रहे हो तो आपकी गड़बड़ है। ऐसा नहीं है, एक्चुअल में ये नहीं पॉसिबल है 20,000 में। उनके पीछे से स्पॉन्सर्स होते हैं जो फ्री में उनको लेबर वगैरह देते हैं, वो अलग बात है, वो पूरा सिनेरियो ही अलग है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। आखिरी जो कौन मैं आपको बताऊं वो है कि जो मोर लाइकली ना इंटीरियर डेकोरेटर्स वाला वो काम कर रहे हैं। देखो उनका रेनोवेशन का काम करवाते हैं ना बेसिकली वो, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ उठाया, थोड़ा बहुत उनका स्टफ़ चेंज किया, कलर चेंज किया, मटेरियल चेंज कर दिया, फैब्रिक चेंज कर दिया, बेसिकली ये सब चीज़ें जो होती हैं ना इंटीरियर डेकोरेटर्स ज़्यादा करते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर्स का काम इससे कई ज़्यादा होता है। इनफैक्ट जब आप घर बना रहे होते हो ना तो उससे पहले प्लम्बिंग होती है। देखो फर्नीचर लेआउट से पहले या पंखे वंखे लगने से पहले आपकी सीलिंग डिज़ाइन होती है, आपकी फ्लोरिंग के नीचे कौन सी दवाई डालनी है, जैसे टर्माइट वगैरह है तो वो दवाई डलवाने का काम भी इंटीरियर डिज़ाइनर्स करते हैं, क्योंकि इंटीरियर ही ख़राब होगा ना अगर आपके दीमक वगैरह लग जाएंगे तो वो दवाई डालने का काम भी इंटीरियर डिज़ाइनर्स करते हैं। उसके बाद प्लम्बिंग के पॉइंट कहाँ पे हैं, आपने जो फिक्स्चर्स दिए हैं, बाथरूम का बाथटब है वो लगेगा जहाँ पे, वहाँ पे आपको पानी का पॉइंट तो देना पड़ेगा ना, तो ये सब भी डिज़ाइन इंटीरियर डिज़ाइनर्स करते हैं। तो उनका जो काम है ना मोस्ट लाइक कि इंटीरियर डेकोरेशन वाला है। तो इंटीरियर डेकोरेशन एक पार्ट है इंटीरियर डिज़ाइनिंग का, पूरा प्रोफेशन जो है इंटीरियर डिज़ाइन वो नहीं दिखाया गया उसमें। बेसिकली मैं इतना सा पॉइंट आपको कहना चाहता हूँ कि मिसलीड मत हो जाना इससे कि इंटीरियर डेकोरेटर्स का काम छोटा सा सेगमेंट है इंटीरियर डिज़ाइन का। तो ये था ऑल अबाउट प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज तो गिनते जाओ, कॉन्स मैंने आपको बता दिए। तो आई होप आप एंजॉय करना शो, लेकिन सोच समझ के। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।